अब तक हम लोग थर्मोमीट्री और कैलोरीमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो न्यू चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स का जो एक चैप्टर है ही है, ठीक है। इसी से एकदम रिलेटेड चैप्टर जो है वो गैसेस स्टेट पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है। उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा रियल गैस के बारे में ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। कुछ और टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो हम क्या करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फिजिक्स में पूरा पढ़ा लेंगे और एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे ताकि केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना उसको यहाँ पर डील कर ले। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का गैसेस स्टेट को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक चैप्टर डायरेक्ट वहां बच जाएगा, ठीक। उसी ढंग से जी थर्मोडायनेमिक्स में जब हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री के लिए एक क्लास मात्र एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो वो केमिस्ट्री वाला पढ़ने का जरूरत नहीं, समझ आ रहा है। तो बहुत सारा चीज है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप बच जाइएगा, ठीक है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया गया तो क्या होगा कि आपको वहां एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने का जरूरत नहीं, पूरा तो करा ही दिया गया है। क्वांटम नंबर वगैरह जो एक्स्ट्रा था वो भी पढ़ा ही दिया गया, ठीक है। तो इसी ढंग से फिजिकल का बहुत सारा टॉपिक जो लंबा लंबा सा है ना वो आप डायरेक्ट बच जाइएगा पढ़ने से। इससे क्या होगा, दिमाग हल्का रहेगा और कंसेप्ट भी ज्यादा क्लियर रहेगा। तो चलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करते हैं। तो गैस क्या है ये बताने का जरूरत है, ठीक है। गैस क्या है तो उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, मतलब जिसमें आप रख दिए वही वाला होगा। ये सब आप जान ही रहे हैं, गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत कम होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब आप जान रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोले तो आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस। तो इसमें अगर लंबा चौड़ा खींचा जाए, समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या है कि आइए इसमें जब लंबा चौड़ा अगर खींचा जाएगा तो इसको 10 भी किया जा सकता है, वहां बैठ जाए, वहां पर बैठ जाए, कहीं पर बैठ जाए, ठीक है। लेकिन मेन रूप से जो एजम्पशन जो है ना वो तीन चार एजम्पशन ही है। तो सबको समेट करके अगर तीन चार एजम्पशन में किया जाएगा तो पहला एजम्पशन जो है वो ये मानना है कि ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर ऑफ नेगलिजिबल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब वॉल्यूम क्या होगा जी, मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम मान लो कि 2 लीटर है, तो उसमें कितना भी गैस तुम इंसर्ट कर दोगे ना तो ये मानना है कि उसका वॉल्यूम अभी भी 2 ही लीटर है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जितना वॉल्यूम में मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। एक एग्जांपल से पहले हम तुमको समझाते हैं। मान लो कि किसी कंटेनर का वॉल्यूम है जो कि 5 लीटर है और उसमें तुम क्या हुआ कि बड़ा बड़ा सा बॉल डाल दिए जिसका वॉल्यूम जो है कितना है तो 2 लीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसको मूव करने के लिए कितना जगह बचा, मात्र 3 लीटर। अरे बोलो यार, तो ये किस कंडीशन में हुआ, जिसको तुम डाले वो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन अगर तुम उसमें कुछ बॉल डालते जिसका क्या होता कि साइज बहुत कम होता, बहुत ज्यादा कम, तो फिर क्या होता कि पहले भी 5 लीटर था, अभी भी क्या मानेंगे कि 5 ही लीटर, क्योंकि बहुत कम जगह छेका है। इसका मतलब किसी को भी घूमने के लिए 5 लीटर का जगह अभी भी ना है जी। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो जो ये बोला गया है कि आइडियल गैस का क्या एजम्पशन है, तो आइडियल गैस तभी बोलेंगे जब उसके मॉलिक्यूल का साइज क्या माना जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब हो गया कि जितना गैस डालने के पहले वॉल्यूम होगा कंटेनर का, बाद में भी उतना ही वॉल्यूम होगा। कोई दिक्कत लग रहा है, तो एक चीज ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि नेग्लिजिबल फोर्सेस, ऑब्वियस बात है कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, नेग्लिजिबल फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
नेग्लिजिबल एट्रैक्टिव फोर्स कर देंगे। मतलब दो मॉलिक्यूल है तो उसको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट माना जाएगा, माने एक का फोर्स दूसरा पर लगता हुआ नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जब तक कि वो दूर में कॉलिजन करेगा तो उसमें मानेंगे। अभी मत उतारो, कभी देखो अभी आगे, क्योंकि सब थ्योरी पूछेगा इसलिए बताया जा रहा है। ऑल कॉलिजन आर इलास्टिक, ऑल कॉलिजन आर इलास्टिक। ऑल कॉलिजन का मतलब क्या हो गया? बिटवीन मोलिक्यूल एंड मोलिक्यूल, ठीक है। एक ये कहानी हो गया और एक क्या हो गया? बिटवीन मोलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। यहां डायरेक्ट वॉल बोल दे रहे हैं या ऑफ वेसल बोल दे रहे हैं। तो जो भी कोलिजन होगा उसको क्या माना जाएगा? इलास्टिक माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि टकराने से एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, कोई दिक्कत लग रहा? तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट तीन ही चीज है इसका, बाकी इसी को क्या बताया कि दो को पॉइंट कर देता है कि बोलेगा कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी कोलिजन इलास्टिक है, फिर बोलेगा कि मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में भी कोलिजन क्या है? इलास्टिक है। तो ऐसा नहीं कि घर जाइएगा तो 7 एजम्पशन लिखा हुआ रहेगा, 8 एजम्पशन लिखा रहेगा, किसी किताब में 12 एजम्पशन लिख देता है तो आपको लगेगा कि सर एजम्पशन कम पढ़ा है, एक्चुअली सब समेट के बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेन रूप से यही तीनों है कि मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल होगा, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल टकराने के दौरान कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा अलग बात है, अदरवाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या माना जाएगा कि जितना भी कोलिजन एक दूसरे के बीच में हो रहा है इलास्टिक हो रहा है। कोलिजन इलास्टिक का क्या सेंस हुआ कि इन इलास्टिक अगर रहता तो क्या होता, टकराता तो हीट प्रोड्यूस होता, तो वो घटना यहाँ पर नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीज आप जान लीजिएगा। और एक और एजम्पशन क्या हो सकता है बताइए तो, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मेन रूप से यही तीनों है, बाकी अगर बढ़ाना चाहेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि रैंडमली तो मूव करेगा। चलो लिख देते हैं, वो तो गैस का ही ये जंक्शन नहीं है, तुम बोल रहे हो तो हम लिख दे रहे, वो तो गैस का ही प्रॉपर्टी है, वो आइडियल गैस रहे चाहे नहीं रहे, गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा? रैंडमली मूव करेगा। इवन देन लिक्विड का भी मॉलिक्यूल क्या होता है? रैंडमली मूव करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक और ये बोल सकते हैं आप कि कोलिजन टाइम जो होगा ना बहुत कम होगा टू सक्सेसिव कोलिजन टाइम से। ये भी जानिए नहीं जानिए कोई मतलब नहीं, केवल ऐसे ही बोल दिया गया है। ये क्या बोल रहा है कि दो मॉलिक्यूल टकराएगा तो जितना देर तक कंटेक्ट में रहेगा ना वो बहुत कम होगा, जब यहां से टकरा कर कर करके यहां पर दोबारा टकराएगा तो। बात नहीं समझे, ऐसे समझिए यहां पर क्या है कि एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल इधर से आया, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से ही टकरा चुका होगा, उसके बाद वहां से यहां आने में जितना टाइम लगा ना, बोलो यार, उसके रिस्पेक्ट में जब भी वो टकरा करके कॉन्टेक्ट में रहेगा तो वो बहुत कम होगा। बात नहीं समझना है? अरे जैसे कि यहां से यहां आने में इसको कितना लगा तो मान लो कि 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगता नहीं है, लगता है तो माइक्रो सेकंड के जोन में। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बार यहां टकराया और उसके बाद यहां आकर के टकराया, तो ये जो है मान लो कि 5 सेकंड है, तो ये कितना देर तक इसके कांटेक्ट में रहा, तो ये कितना देर तक कांटेक्ट में रहेगा, तो 0.0005 सेकंड तक। मैंने यही बोला कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा वो बहुत ज्यादा होगा कॉन्टेक्ट टाइम। अरे नौ इसका कोई जरूरत तो नहीं पड़ता है। तीन ये मेन पॉइंट है, इसी को तुमको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला
हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस। देखिए आइडियल गैस वाले में क्या पढ़ना है, सॉरी रियल गैस वाले में क्या पढ़ना है आगे, तो मॉलिक्यूल का साइड नेग्लिजिबल नहीं होता है, और बोलो यार अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि लगता है, और कोलिजन है जो कि परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, कुछ इनइलास्टिक टाइप का भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत लग रहा है? बाकी ये वाला जो है वो रियल गैस में भी होता है कि टकराता है बहुत कम देर के लिए, बाकी मूव करता है। तो ये वाला मैं इसे ही बस केवल लिख दिए, तो यही एजम्पशन है जिसमें से तीन मेन एजम्पशन। अब इसको तुम 12 एजम्पशन तोड़ के बना दो चाहे 7 एजम्पशन तोड़ के बना दो, कोई मतलब है नहीं। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम पिछले बार पढ़ाए थे तो कोई बच्चा आया था कि सर आप तो बोले कि इतना ही एजम्पशन है, किसी बुक में 7 लिखता है, किसी बुक में 12 लिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को तोड़ तोड़ के करके वो क्या करेगा, लिख देगा। चलो अब गैस को देखो, तुम किसी कंटेनर में गैस है, गैस बोले मतलब क्या हो गया, गैस का मॉलिक्यूल है। समझ आ रहा है? तो प्रेशर का फीलिंग क्या है, वॉल्यूम का क्या फीलिंग है? तो सिंपल सी बात है कि जितना जगह में मॉलिक्यूल मूव कर सकता है वही वॉल्यूम का फीलिंग है। तो मॉलिक्यूल इसमें है लेकिन ऐसा माना जाएगा तू कोई जगह नहीं छेक रहा है, बोलो यार तो उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम में माना गया है, बोलो। तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसके लिए वॉल्यूम कितना होगा, तो कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा। प्रेशर का क्या सेंस है, तो मॉलिक्यूल क्या है कि रैंडमली मूव कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? तो जब मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहा है तो दीवार पर टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तो दीवार पर टकराएगा तो फोर्स एग्जर्ट करेगा तो इससे प्रेशर जनरेट होगा। तो कभी भी बोला कि प्रेशर, इसका आपको कॉमन सा सेंस लगाना है कि मॉलिक्यूल क्या हो रहा होगा, टकरा रहा होगा, और बोलो यार इससे ज्यादा कुछ सेंस नहीं लगाना है। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा तो बताओ तो वो प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा कि कम जनरेट करेगा, ज्यादा जनरेट करेगा, तो कॉमन सेंस का चीज है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो प्रेशर को आप समझ रहे हैं कि क्या कहानी। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो गैस मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा वो एक चीज आप ध्यान रखिएगा जी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ करके फंसाएगा आपको, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, समझना है, यहां फंसाएगा, झुकना नहीं है, गजब झुकते हैं बहुत सारे लोग। तो इसका जो स्पीड होगा ना, जो भी स्पीड होगा, हम अभी लिख दे रहे हैं स्पीड, वो जीरो से लेकर करके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको आप ध्यान रखिएगा कि गैस मॉलिक्यूल का स्पीड जीरो से लेकर के इंफिनिटी के बीच में कुछ भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद आपको डाउट जनरेट होगा जब हम पढ़ाएंगे कि गैस का तीन स्पीड डिफाइन किया गया है, आरएमएस किया गया, मोस्ट प्रोबेबल किया गया है, और एवरेज किया गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि तीनों स्पीड हो ही सकता है। तो एक बात हम बता रहे हैं तो वो एवरेज निकालने का प्रयास किया गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसे आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल का स्पीड कुछ भी हो सकता है, स्पीड निगेटिव तो नहीं है ना होगा। तो ये चीज ये क्या बता रहा है कि स्पीड कुछ भी हो सकता है, अरे बोलो यार। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर एक चीज और समझना जी, यहां के लिए भी, और मेटल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना उसके लिए भी, ठीक है? कभी भी कोई चीज रैंडमली होगा, कभी भी कोई चीज रैंडमली होगा तो उसका एवरेज वैल्यू जीरो होता है, वेक्टर फॉर्मेट में, माने भी एवरेज जीरो होगा। कोई भी चीज रैंडमली मूव करा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर एवरेज वेलोसिटी भी तुम निकालना चाहोगे तो सब वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्मेट में जोड़ोगे तो ओवरऑल जीरो ना आएगा। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा जी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन इन मेटल क्या होगा, जीरो होगा। अभी तुम आगे पढ़ोगे कि एवरेज स्पीड कितना होता है,
कितना होता है एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी तो जीरो रहता है जी। आगे तुम पढ़ोगे एवरेज स्पीड, तो हम बता रहे हैं तीनों को, हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं ना कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में तुम कंफ्यूज मत होना, बस यही हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एकदम फंसाएगा आपको। एवरेज स्पीड समझ आ रहा है कि नहीं, और एवरेज वेलोसिटी दोनों में अंतर है। अरे बोलो यार। तो वहां पर क्या होता है ना कि बच्चा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ता है तो देखने नहीं करता है कि वेलोसिटी पूछा है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ था एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड। जैसे कि इसके बाद हम कभी भी तुमको एवरेज वेलोसिटी का चर्चा ही नहीं करेंगे गैस मॉलिक्यूल में, किसका चर्चा करेंगे अगर करना भी हुआ तो एवरेज स्पीड का करेंगे। तो तुम क्या हुआ कि एवरेज वेलोसिटी को भुला ही जाओगे, उसी में तुमको फंसा लेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वो तीन ही नहीं होता है जो आप पढ़ते हैं। अरे बोलो यार। और एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा, बात समझ में आया? तो ये दो जगह पर बच्चा से गलती होता है, इसलिए पहले ही हम इसको बताएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर गलती आपसे नहीं हो। अब इसके बाद फिर क्या है कि गैस मॉलिक्यूल का क्या किया गया है कि स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए तीन टर्म डिफाइन किया गया, ठीक है? तो पहला जो है पढ़ना है आपको क्या, एवरेज स्पीड, ये भी जीरो होगा। एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो एवरेज स्पीड के बारे में कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी मॉलिक्यूल रहेगा सबके स्पीड को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। अरे बोलो जी। तो ये वाला कब यूज करोगे तुम? जब वो दो चार मॉलिक्यूल का ना स्पीड दे देगा तब ये यूज करो। और अगर टेम्परेचर का बात करेगा तो ये किसके बराबर होगा? तो देखो तीन याद रखना आता है बच्चा को, आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कभी तुम कंफ्यूज हो गए कि एवरेज वाला में अंडर रूट 8 आरटी बाय पाई एम है कि अंडर रूट 3 आरटी बाय पाई एम है, अंडर रूट 2 आरटी बाय पाई एम है, तीनों में होता है जी। तो कैसे पकड़ना वो थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। अभी आपको ये याद रखना है कि कितना होता है 8 आरटी बाय पाई एम होता है, आरटी बाय एम हमेशा से पी बाय रो के बराबर होगा। तो ये वाला हो जाएगा अंडर रूट 8 पी बाय रो, आरटी बाय एम हमेशा क्या होगा, P by rho के बराबर होगा, ठीक है? चलो अभी इसको लाने दो, फिर एग्जांपल से क्लियर होगा। मैं एक बार बोलने दीजिए आपको तेजी में। दूसरा क्या डिफाइन किया गया है, आरएमएस स्पीड। इसको पहले तो फुल फॉर्म में लिखो, इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा आपको मीन स्पीड पूछेगा तो कौन बताइएगा, ये वाला बताइएगा कि ये वाला बताइएगा? ये वाला बताइएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां भी गड़बड़ नहीं होता है, मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक यहां पर अच्छा से सीख लोगे ना तो क्या है कि यही चीज एसी में भी पढ़ना है, एवरेज करंट, आरएमएस करंट। तो देखो आरएमएस करंट वाला में या आरएमएस स्पीड वाला में बच्चा को क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, पहले समझना इसको। तुम ऐसे करके ध्यान रखना तो कभी नहीं बोला पाओगे। बोल क्या रहा है कि स्पीड को पहले क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, और फिर उतना करने के बाद उसका मीन निकालिए, मतलब एवरेज निकालिए, और उसके बाद फिर क्या करिए, रूट लीजिए, यही बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि पहले स्पीड का क्या करो, स्क्वायर, सब स्पीड को स्क्वायर कर दिए, और उसके बाद उसका क्या करोगे, मीन करोगे, मतलब एवरेज करोगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो सबका स्क्वायर कर चुके हो ना जी, जिसका इसका स्क्वायर किया, मतलब स्पीड का स्क्वायर करो उसके बाद एवरेज लो,
एवरेज लेने के बाद स्क्वायर नहीं करना, ये ध्यान आपको रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर, जितना भी रहेगा ठीक है ना, सबका स्क्वायर किया, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालता है, सबको जोड़ दिया और एन से डिवाइड कर दिया, यही ना होगा। अरे क्या बोल रहा है, स्पीड को स्क्वायर तुम कर दो, सबका स्क्वायर कर दिया, वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर, वी थ्री स्क्वायर, वी फोर स्क्वायर, सबका कर दिया। अब उसका एवरेज दीजिए ना, किसी का भी एवरेज कैसे दिया जाता है, तो सबको जोड़ा जाता है और बोलो यार नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया, आ गया आंसर। मीन निकालने के बाद क्या करिएगा, रूट लीजिएगा, तो आप रूट लीजिएगा, तो ये कितना हो गया, यही वाला क्या कहलाएगा, वी आर एम एस कहलाएगा। ये सब कब यूज करना, जब वो डिस्क्रीट वैल्यू देगा, मॉलिक्यूल का स्पीड इतना 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 है, तब अगर टेम्परेचर देगा या प्रेशर देगा तब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। देखना बोर्ड का तरह ऐसे करके लड़की तरफ देखता है, नहीं देखना ऐसे लड़की तरफ, यहाँ देखो नहीं देखी काम छोड़ के चल जाएगी, उसके लिए कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा। चलो आरएमएस वाला का क्या हो जाएगा जी, 3RT बाई एम, ये आपको याद रखना। प्रेशर बोले तो आर टी बाई एम का वैल्यू क्या होता है, पी बाई रो होता है। कोई दिक्कत नहीं, पाई छूट गया क्या, ओके पाई छूट गया था, आर टी बाई एम के ऊपर पी बाई रो होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा आपको, देखो अभी तक जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो इसी से पूछ रहा है, इससे किसी ना किसी दिन वो इस ढंग से भी पूछेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसको थोड़ा सा हीट करके रखना, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं, लेकिन वो पूछ भी करेगा, किसी भी बच्चा पूछोगे तो वो ये तलाक से बोल देगा, लेकिन ये वाला क्या है कि ध्यान नहीं रखता है, और गलती तो एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमको भी ये सब डाउट होता था कि पहले स्क्वायर करेंगे तब एवरेज निकालेंगे, कि एवरेज निकाल करके स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इतना पढ़ाते पढ़ाते एक बार फिर से हम बोल देना चाह रहे हैं कि सब मॉलिक्यूल का स्पीड यही तीनों में से कोई ना कोई होगा, नहीं, वहां पर किसी मॉलिक्यूल का स्पीड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर पहले बता ही दिए, तो पहले पढ़ाया जाता है ये वाला, फिर इसको चर्चा किया जाता है, लेकिन चूंकि टारगेट बैच है इसलिए पहले जो गलती हुआ उसी को हम बता दिया। तुमसे वहां क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड, फाइंड नहीं बोलेगा वहां पर, फाइंड नहीं बोलेगा वहां, बोलेगा कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और उसके बाद हम ऑप्शन सेट करेगा, ये वाला एक और लिखाएंगे, जो वाला और जीरो, कौन होगा जीरो, क्योंकि वो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात किया। अब बच्चा जब वहां देखता है ना तो सीधे उसको एवरेज सुनाई देता है, एकदम डायरेक्ट कह दो कि यही वाला मान देगा, तो गलती नहीं हो जाए। हाँ ये नहीं कि एवरेज स्पीड पूछा तो तुम स्टाइल मारने लगे, हम ही तो वो जानते हैं तभी वो जीरो मारे, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये चीज है कि थोड़ा ध्यान रखना, होता है बच्चा में स्टाइल मारने लगता है, ठीक है। चलो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नाम क्या बोल रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज के प्रोबेबिलिटी होने का चांस ज्यादा, यही ना बोल रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, किस स्पीड का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, ये क्या कहना चाह रहा है ये समझिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि ये क्या नहीं कहना चाह रहा है, तो ये भी मैक्स के बारे में नहीं कहना चाह रहा है, सबसे पहले तो ये समझना। बहुत सारे बच्चा क्या होता है ना कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट स्पीड समझ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम स्पीड, तो ये गलती हो जाएगा, इसको पकड़ लेना, ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं, ये क्या बोल रहा है ये बात समझिएगा, कि मान लीजिए कि एक, चलिए छोड़िए आपसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया जाए कि एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है कि 50 लाल बॉल और 10 ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 5 व्हाइट बॉल है, तो आप उसमें हाथ डाल करके निकालिएगा तो 100% श्योर है कि जो 50 बॉल रेड था वही निकलेगा, 100% श्योर है, नहीं,
लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है आने का कि रेड का ज्यादा आने का, क्योंकि 50 ना है जूस, अरे बोलो यार। तो उसी ढंग से ये वाला डिफाइन किया गया है कि किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल जो होगा तो उस मॉलिक्यूल का स्पीड या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। अगर तो हाँ गजब उल्लू है भाई, मानना पड़ेगा। अभी ही बताए हैं तुमको कि स्पीड कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है। जब भी लड़का उल्लू बोले ना तो लड़की को खुद समझ जाना है कि हम लोग को उल्लू नहीं वो बोल रहे हैं, ठीक है। खैर सॉरी, ये क्या बोला है ना कि किसी कंटेनर में बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा जिसमें सबका स्पीड एक ही रहना जरूरी नहीं, अलग 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 होगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसका सेम स्पीड होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि तुम हाथ डाल करके बाहर खींचो तो जिस स्पीड के मॉलिक्यूल का पकड़ने का सबसे ज्यादा चांस है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस स्पीड से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मैक्सिमम स्पीड नहीं हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा। और समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है बताओ तो? इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव कर रहा हो, मूव कर रहा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? दो तीन चीज जहां दिक्कत होता है वहां आपको बता चुके हैं। बच्चा से पूछिएगा मीन स्पीड तो उसको रूट मीन सुनाई देता है ना, मीन का मतलब ये हो गया, कोई दिक्कत लग रहा है? दूसरा यही वाला कि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब वो समझ जाता है मैक्सिमम स्पीड वाला, नहीं कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये क्या है जिस स्पीड से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल मूव करे, अरे बोलो यार। जैसे कि समझना नहीं, पांच मॉलिक्यूल का स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल का स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, 8 मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो कुछ भी, चलो ना 15 मीटर पर सेकेंड है। बताओ तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा? तो 5 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल इसी स्पीड से मूव कर रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज है। बाकी इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है तो भी मोस्ट प्रोबेबल आप जान ही रहे कितना होगा, अंडर रूट 2RT / m या अंडर रूट 2P / rho। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो जी, RT / m जो है ना वो KT / m भी लिखाता है, बस इसमें अंतर क्या है कि m जो हो गया ये क्या था, मोलर मास हो गया। मोलर मास बोले तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास, और ये वाला जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास। दोनों में अंतर समझ में आया? ये एक मॉलिक्यूल का मास और ये क्या है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। मतलब क्या हुआ कि m में तुम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक मोल बन जाएगा ना जी, तो वो वाला। तो बच्चा को याद ही रहना चाहिए, लेकिन हम खाली इसी बता दे रहे हैं, कहां पर लिखे हैं लिख दे रहे हैं, ध्यान देना जी। कुछ कुछ चीज मोलर मास जो होगा वो एक मॉलिक्यूल का मास है, उसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे,
साइडर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। एक और भी याद रखना होता है, आर का वैल्यू कितना होता है, के एन ए, जहां के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और आर है जो कि क्या है, गैस कांस्टेंट। इसको याद करना बड़ा आसान है, बोल रहा है रुकना है ना, आर इक्वल टू के एन ए, आप याद कर सकते हैं रुकना। तो क्लियर हो गया ये रिलेशन, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो समझ में आया, सब जगह पर फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। याद रखो अंडर रूट ए टी बाई पाई एम है, तो आर टी बाई एम को आप क्या लिख सकते हैं, के टी बाई एम भी, जहां के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो यार, तो एम जो है वो एक मोलिक्यूल का हो जाएगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है ना कि बच्चा को ये हिट करके नहीं पढ़ाया जाता है, जब हम भी पढ़ते थे हमको ये हिट करके नहीं बताया गया था, हमको बताया गया था कि स्पीड डिफाइन किया गया तीन तरह से, समझ आ रहा है कि नहीं, एक एवरेज स्पीड होता है, एक आरएमएस स्पीड होता है, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, दिमाग में सेट हो जाता है कि मॉलिक्यूल कोई भी हाथ डाल करके बाहर निकालो तो उसका या तो ये दिखाई देगा या तो वो दिखाई देगा या तो ये दिखाई देगा, ऐसा नहीं। क्लियर हो गया, कुछ भी स्पीड हो सकता है। बोलो यार, डाटा आप कुछ कुछ याद रख सकते हैं क्योंकि रेशियो पूछ लेता है, तो समझना आर टी बाई एम उसको रहने दो, तो बाहर निकलेगा तो यहाँ रूट टू होगा, तो रूट टू तो आपको याद रहता है कितना होता है 1.414, तो ये वाला आपको याद रह जाएगा। रूट थ्री भी 1.732, अरे बोलो यार वो भी याद रह जाएगा। ये वाला डाटा बहुत सारे को नहीं याद रहता है, याद रहता नहीं क्या, याद रखना भी नहीं चाहिए नॉर्मल वे, वो तो चूंकि यहाँ पढ़ना है इसलिए याद करना। तो अंडर रूट एट बाई पाई जो होता है वो 1.6 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, समझना कि भी आरएमएस वाला जो होगा तो कितना होगा, कितना होगा ये वाला, कितना होगा 1.73। तू ये रखना है क्या? ना, ये तो याद ही रहता है। तो अंडर रूट आर टी बाई एम और भी एवरेज जो होगा, तो एवरेज वाला किसके बराबर होगा, तो ये वाला याद खाली रखना है कि अंडर रूट एट बाई फाइव जो होगा वो किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आर टी बाई एम के, और भी मोस्ट प्रोबेबल जो होगा, ठीक है, तो ये वाला तो हो जाएगा 1.414 अंडर रूट आर टी बाई, ठीक है। तो कभी रेशियो पूछ देगा किसी का भी तो वो वाला कट जाएगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो बस एक ही चीज को ध्यान रखना है इसको, और एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, तो आरएमएस का सबसे ज्यादा है, एवरेज का तो उसको तो बीच में रहनी चाहिए, नाम ही है एवरेज, एवरेज का मतलब है होता है, अरे बोलो यार, कि वो बीच वाले भाग में पड़ेगा। तो अगर ज्यादा कम में बोलेगा तो सबसे कम कौन होता है, मोस्ट प्रोबेबल, अरे बोलो यार, जबकि बच्चा क्या होता है यही गलती कर देता है, सुनता है मोस्ट प्रोबेबल तो मैक्सिमम स्पीड, तो वैसा नहीं, समझ में आ रहा है। तो सबसे कम होता है मोस्ट प्रोबेबल, उससे ज्यादा एवरेज को तो बीच में रहना ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अरे बोलो यार, और मैक्सिमम किसका होता है, आरएमएस वाला का होता है। अगर उस तीनों में करोगे तो किसी मॉलिक्यूल का स्पीड मैक्सिमम वही वाला हो जाएगा, भी आरएमएस, वो तो कुछ भी हो सकता है, अरे समझ में आ रहा है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? एक चीज और कुछ बोल रहा था दिमाग से निकल गया, तो इसका अरेंजमेंट पता चला गया जी, कुछ बोलना था तो आगे याद आएगा तो बताएं। तो अरेंजमेंट आप देख लीजिएगा कि उस ढंग से चलेगा। हाँ, ये बोलना था कि अगर मॉलिक्यूल के स्पीड के बारे में बात नहीं करेगा, अगर मॉलिक्यूल के स्पीड के बारे में बात नहीं करेगा तो किस स्पीड को माना जाएगा, इस ये भी ध्यान रखना, अरे समझ में आ रहा है, माने आगे जितना भी कैलकुलेशन होगा काइनेटिक एनर्जी तो ये तो वो कुछ भी होगा, तो वो किसके थ्रू होगा,
आरएमएस वाला, जब तक कोई एवरेज मोस्ट प्रोबेबल पूछ नहीं देता तब तक इसका चर्चा ही नहीं करते, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपके लिए हर जब देखिए काइनेटिक एनर्जी तो कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वहां वी कौन लेंगे? तो वी आरएमएस वाला ले। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां देखो, एक प्रेशर का फॉर्मूला बनता है ऐसे, तो यहां से भी कर सकते हो, समझना थोड़ा सा आया है यहीं से। देखो इसको इधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, अरे यहां देखे पहले इसको इधर फेंक दिएगा तो स्क्वायर होगा ना, तो हो जाएगा 3p/2, तो रो इधर चल जाएगा और थ्री नीचे आ जाएगा, तो आया उसी से है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उसको अलग करके याद रखे हुए रहते हैं कि p का वैल्यू कितना होता है 1/3, अरे बोलो यार, रो भी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है? और रो जब खुलता है तो हो जाता है एम एन बाई 3 भी, ये भी वॉल्यूम वाला हो गया। देख हम हमेशा जी स्पीड जब लिखते हैं ना तो छोटा भी से लिखेंगे, ये आदत ही अपना बना लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही जगह पर भी लिखना था, वॉल्यूम भी और स्पीड भी, तो ऐसा नहीं कि दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है? तो रो कुछ नहीं, मास बटा वॉल्यूम, तो टोटल मास बटा वॉल्यूम कर दिया गया। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा स्मॉल एम जो होगा वो मोलिक्यूल का मास को इंडिकेट किया गया, बोलो यार एम हो गया मॉलिक्यूल का मास, एन क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझ आ रहा है कि नहीं? तो आया है इसी से, मगर हम लोग डायरेक्ट इसको भी याद रखेंगे और झुकना नहीं है, ठीक है? क्या छोड़ो, क्या करते हो रात को? हाँ तब लड़का झुक रहा है, तब लड़की झुक रही है, इससे इंडिकेशन तो नहीं ना हम सोच ले हैं? कोई दिक्कत लग रहा है? इससे ये आ जाएगा, मगर आपको इंडिपेंडेंटली याद रखना कि पी का वैल्यू कितना होता है तो 1/3 रो बी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है? या पी का वैल्यू कितना होता है तो एम एन बाई थ्री भी बी आर एम एस का स्क्वायर, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो अभी उसको उतार के उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, इसका एग्जांपल करवाते हैं। ऐसे जगह है यहाँ पर, देख लो, चलो देखी लो, देखी लो जगह है तो उसका यूज कर लिया जाए, ये सबसे लास्ट में उतारना। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल का स्पीड जो है, मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो कितना है, तो 5 m/s, 4 m/s, 3 m/s, 3 m/s, 2 m/s, ऐसा दिया हुआ, ठीक है? तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा मॉलिक्यूल का, बताइए तुम। जीरो, सबसे पहले तो ये जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है। इसी में बच्चा नहीं बता पाता, इसीलिए हम हीट करके सोडियम बताएं। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो सबको जोड़िएगा, डिवाइड करिएगा, 9 × 15 = 17 / 5 m/s। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होगा, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस स्पीड से घूम रहा है, तो ऐसे तो ये 3 हो जाएगी, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। और अगर जो भी आरएमएस का बात करेगा तो उसको नहीं देख रहा, उसको मत देखना, भी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो पहले क्या बोलेगा, स्पीड को स्क्वायर करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, तो स्पीड को पहले क्या करो, स्क्वायर करो, तो 25 + 16 + 9 + 4 / 5 स्क्वायर सबका कर दिया, उसका क्या ले लिए, एवरेज ले लिए, मीन ले लिए,
अब उसके बाद तू क्या करता है? रूट करने का। बोलो बोलो, कोई दिक्कत क्या छोटो? चौक के बोला इसको इसको किसको बोलो? अरे बोलो तुम, नाम बोलो तुम, हम अभी उसका नंबर तुमको दिलवाते हैं। बाहर जाके नहीं बोलना कि सुनो तुम अपना नंबर दे दो वरना सर से तो मंगवाइए। तो बात समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरएमएस वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है। तो आई होप क्लियर हो गया। देखो इसमें समझाना कम है, वो हिट करके कर बता रहे हो, ओवरऑल आपको याद ही रखना है कि कैसे कैसे क्या होना है। ठीक है, होता है। अब आगे पढ़ना है मीन फ्री पाथ। अच्छा, इसके पहले कुछ एग्जांपल करा दे क्या? चलो ठीक है, पहले देखो मीन फ्री पाथ क्या बोल रहा है, नाम क्या बोल रहा है। नाम बोल रहा मीन फ्री पाथ है, बोलते रहे। और क्या बोल रहा है? देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पाथ फ्री है, मतलब जितना पाथ में वो फ्रीली चला बिना टकराए हुए, उसका एवरेज बताओ। मतलब क्या हो गया कि कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है, यही वाला डिप्टो जी वहां भी पढ़ना है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। तो ये मॉलिक्यूल जो है, सब मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, अभी सबको स्थिर दिखाया गया, मूव सब कर रहा है, तो कुछ दूरी चला होगा ये, अटक रहा है, ठीक है, गप नहीं करिए, फिर इधर टकरा कर तो उधर गया था, फिर कुछ दूर चला, फिर है जो कि टकरा करके इधर आया, इतना दूर चला, तो वैसे ही करके यहाँ टकराया लैम्डा फोर। तो फ्री पाथ क्या है? फ्री पाथ तो इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में वो फ्रीली चला कि नहीं चला। yes, तो यही वाला है फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? तो क्या सब फ्री पाथ से नहीं होगा? श्योर है आप? अलग अलग भी होगा। अरे बोलो जी। yes, तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हो गया? अब बोलो क्या होगा मीन फ्री पाथ का मतलब, कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे मीन निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सब फ्री पाथ को क्या करोगे, जोड़ दोगे, और जितना भी नंबर होगा उसे डिवाइड कर दो, यही ना करोगे? तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछता जनरली, लेकिन डिफाइन इसी पर किया गया, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू जो होगा वो आप याद रखिएगा, 1/√2 बताने के बाद आया एग्जाम में, 1/√2πn(a²), ठीक है। अब इससे पूछ दिया है, अब इसका अलग अलग फॉर्मेट में पूछेगा, ये बराबर होगा किसके, 1/√πd²। n जो होता है ना वो p/kT हो जाता है, kT ऊपर चला जाता है, ठीक है, इसको आप kT यहाँ पे मैंने ये याद रखे है टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है। और एक और होता है डेंसिटी के टर्म में होता है, तो वो इस टाइप से होता है √2πd², यहाँ रो होता है। अभी तक केवल इस टाइप का पूछा है, इस टाइप का। अगर आपको बोल देगा कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ भी पूछेगा, तो जिसको ये याद रहेगा बन पाएगा उससे, मैं क्योंकि टेम्परेचर तो इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला टर्म बताया गया, बताने के बाद ही आया था ये विधि। अब अगला फॉर्मेट पूछेगा तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर मीन फ्री पाथ का ही, तो आप इसको याद रखे रहिएगा, जहां पे D जो है वो क्या हो गया, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा तो फंसने जाइएगा, n क्या है, तो इसके बाद हर जगह पर, इसके बाद हर जगह पर n जो होगा वो नंबर ऑफ मोल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट मोल, ठीक है। तो अब याद रखिए, बाकी तो बताने की जरूरत नहीं, पी प्रेशर है, पी क्या है, टेम्परेचर है, रो हो गया था डेंसिटी हो गया। तो इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सीधे याद करना है, पुट करके बना लेना है। आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है कि मॉलिक्यूल का रेडियस डबल हो गया, तो बताइए मीन फ्री पाथ क्या होगा, तो रेडियस डबल होगा,
तो डायमीटर भी डबल होगा कि चार गुना हो जाएगा डायमीटर? डबल ही होगा। अरे बोलो यार, तो रेडियस डबल होगा तो डायमीटर भी क्या होगा? डबल होगा। तो ये डबल होगा तो डबल का ये स्क्वायर तो फोर टाइम्स ना हो गया जी। इसका मतलब मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? फोर टाइम्स कम हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो उसे ढंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्या है जी कि कहानी इसमें सुनाया जाता है, ठीक है, कि बॉयल्स क्या किए, चार्ल्स क्या किए, फिर उससे मिला करके एवोगैड्रो आया। हम लोग को कहानी से उतना मतलब नहीं रखना है, सीधे याद रखना। तो उसका हम ट्रिक बता सकते हैं कि आप याद ऐसे रखिए। देखिए पहले आप ट्रायंगल बना लीजिएगा, यहाँ पर ए लिखिएगा, क्लॉक वाइज चलिएगा, यहाँ बी लिखिएगा, यहाँ पे सी लिखिएगा, ए बी सी हो गया, यहाँ पे क्या लिखिएगा? जी लिखिएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वहां ए लिखे, यहाँ बी लिखे, यहाँ सी लिखे। सी बोले तो चार्ल्स, चार्ल्स बोलेगा, सी फॉर चार्ल्स हो गया। बी किसके लिए हो गया? ऑब्वियस बात है कि बॉयल्स लॉ के लिए हो गया। आइए क्या हो गया? जी किसके लिए हो गया? स्पेलिंग जो भी होगा देख लीजिएगा। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे ये समझिएगा। सबसे बड़ी बात, न्यूमेरिकल जब आप बनाइएगा तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। समझना, बॉयल्स ला क्या बोला, चार्ल्स ला क्या बोला, एवोगैड्रो लॉ क्या बोला, गैलोजैक्स लॉ क्या बोला, ये नहीं भी आपको याद है तो पीवी को 290 से सब रीड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्यों बताया जा रहा है कि अगर बोलिए दे कि चार्ल्स के हिसाब से क्या है, बॉयल्स के हिसाब से क्या है, अगर बोल दे तब तो आपको बताना ना पड़ेगा। अरे बोलो यार, जैसे बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि कोई बच्चा भूल जाएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट जो है वो कौन सा लॉ, तब भी है जो कि न्यूमेरिकल बन जाए। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो पूछिए दिया कि बॉयल्स के हिसाब से क्या है, चार्ल्स के हिसाब से क्या है, तब आपको इसका जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये किस लिए बताया जा रहा है? ताकि तुम जानो कि बॉयल्स क्या बोले तो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। उसके लिए नहीं, वो नहीं भी याद रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके याद आप रख सकते। आप ए बी सी लिख दीजिएगा, नीचे में जी हो गया, पी बी को टू एना टी हो गया, ठीक है। याद कैसे करिएगा? तो सबसे पहले नीचे वाला से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सी के सबसे नजदीक में कौन है बताइए तो? अब देखिए यहां लिखते जाएंगे, चल चलो, सी के सबसे नजदीक में कौन दिख रहा है आपको? पी दिख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर पी कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा? पी कॉन्स्टेंट होगा तो अभी एन आर को भी कांस्टेंट ही मानना। तो पी कांस्टेंट हो गया, एन आर भी कांस्टेंट है, तो नहीं पता चल रहा है कि भी प्रोपोर्शनल हो गया टी के। तो ये क्या बता रहा है कि भी प्रोपोर्शनल हो गया किसके? टी के। अगर प्रोपोर्शनल है तो इसको किधर किधर आप खींच सकते हैं? तो इसको दो तरफ आप लेकर करके जा सकते हैं। एक तो हो गया भी प्रोपोर्शनल टी के, तो इसको आप लिख सकते हैं भी वन बाई भी टू, ये बराबर होगा टी वन बाई टी टू के। और एक और, जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो ये क्या होगा? डेल्टा भी बाई भी, ये बराबर होगा डेल्टा टी बाई टी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो समझ ना, ये बताया गया है केवल इसको याद रखने के लिए कि चार्ल्स वाला में कौन कांस्टेंट था, बस। चलो मान लेते हैं कि चार्ल्स क्या बोले वो तुमको नहीं पता है, फिर भी अगर बोल देगा पी कांस्टेंट है, तो पी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो नहीं पता चल गया कि एम पर, सॉरी भी प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। तो क्या हो जाएगा? भी प्रोपोर्शनल टी के। इसका मतलब ये हो गया कि v1 / v2 t1 / t2 के, या चेंज वाला में करिएगा तो डेल्टा v / v बराबर होगा डेल्टा t / t के। अरे बोलो यार। yes, तो तुम क्या याद रखोगे कि चार्ल्स लॉ में ये वाला लॉ है, ये तुम याद रखोगे? नहीं, हम अभी आपको पढ़ाएं कि पूछ देगा कि चार्ल्स लॉ क्या बोला, चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट थे वो क्या दिए, तब तुमको ये याद रहना चाहिए कि पी कांस्टेंट है। तो वो याद करने का फंडा सिखाया जा रहा है। शायद हम बात अब तक पहुंचा नहीं रहे। हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि प्रेशर कांस्टेंट है,
तो क्या होगा? इसके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट वाला कौन साइंटिस्ट रूल दिए थे, वो जानना जरूरी नहीं। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि बॉयर नाम के साइंटिस्ट थे वो टेम्परेचर कांस्टेंट पर कुछ रूल दिए। समझ रहे कि नहीं? अरे बोलो यार। तो हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। एक्चुअली हुआ ना कि एक देश के साइंटिस्ट कुछ बोले, फिर दूसरे देश के साइंटिस्ट कुछ बोले, फिर तीसरे देश के साइंटिस्ट कुछ बोले, और वो सबको सुपर इम्पोज कर करके ये वाला रूल ला दिया गया। हम लोग क्या हुआ कि ये वाला रूल तो पता ही है। अरे बोलो यार। तो इसी को देख देख करके सब निकाल लें। तो पढ़ाया जाता है कि चार्ल्स ये बोले, जैसे आप पहले पढ़े होंगे तैसे ही पढ़े होंगे, चार्ल्स ये बोले, बॉयल्स ये बोले, एवोगैड्रो ये बोले, और फिर मिक्स कर करके ये लाया गया। हम वो कहानी इसलिए नहीं सुना रहे हैं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बनाना है, और न्यूमेरिकल बनाना है तो चार्ल्स क्या बोले, एवोगैड्रो क्या बोले, बॉयल क्या बोले, गैलुजैक्स क्या बोले, सबको साइड कर देना। आपको पीवी को बुनियादी याद रहेगा, इसी से हम लोग खेल खेलेंगे, तो आगे हम आपको बताएंगे। मगर ये वाला क्यों बताए कि अगर आपको पूछ ही दिया कि अकॉर्डिंग टू गैलुजैक्स क्या होगा तो आपको बताना है, तो याद रहना चाहिए, तो उसका याद करने का फंडा बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला तो हम बता दिए, केवल ये वाला आ गया उसके कारण से, अदरवाइज चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, बाकी क्या होगा वो तो पीवी को जो नाटी बताइए करेगा। समझ में आया? तो बात समझ में आ रहा। चलिए ऐसे करके याद खाली करवा रहे हैं कि इसके बताइए तो बी के नजदीक में कौन है, टी। तो बॉयस वाला आप ऐसे करके याद रख सकते हैं बॉयल्स लॉ में कि ये क्या बोले, टेम्परेचर कांस्टेंट। कहानी ये चला था ना कि ये बोले कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ये बात भी बोले थे लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे। हम लोग को बस ये है कि बॉयल्स के हिसाब से टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। अब कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है ये जानना है तो हम लोग बॉयल का सहारा नहीं लेंगे, हम लोग पीवी कोड एनआरटी का सहारा लेंगे। तो PV equal to NRT के हिसाब से क्या होगा जी, ये constant, ये constant, ये भी constant ही रहता है, ठीक है। तो ये खुद ही बोल रहा है कि P inversely proportional किसके हो गया, B के हो गया, P inversely proportional B के हो गया। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि T constant है, ये constant हो गया, इसको को या तो P inversely proportional B बोलता है या PV constant बोलता है। तो या तो P1 equal to P2 बोलिएगा, या क्या बोलिएगा P1/P2 ये बराबर होगा B2/B1, ये बात दोनों यके है, ठीक है। चेंज वाला में कैसे याद रखेगा जी इसको, तो चेंज वाला में हो कैसे याद रखा जाता है, ये वाला हो गया B2^-1, अरे हुआ ना जी। तो चेंज वाला में एरर लॉ प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा ΔP/P, अरे पावर में 1 है तो 1 आगे जाएगा तो 1 × ΔP/P हुआ ना जी। यहाँ कितना होगा बताओ तो, -1 ΔV/V, एरर में पढ़ते हैं ना जी, ये सब का जरूरत पड़ेगा। हम क्या बोले, तुम इसको रट जाओगे, तुम रटोगे ना इसको, तो ये वाला लिखा देगा तो खुद ही समझ जाओगे तुम। या जैसे बोलेगा टेम्परेचर, देखो कभी भी क्या होता है जो बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आप पीवी को नोटिस होते जाएगा कि पीवी कांस्टेंट, हालांकि ये वाला याद रखना आता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट है, ठीक है। पीवी कांस्टेंट है तो खुद बोल दिया P1V1 = P2V2, अरे बोलो यार। ऐसे भी आप कर सकते थे, एरर पढ़े हुए हैं ना, जितना पीवी कांस्टेंट है तो कोई ऐसे भी कर सकता था, कोई पीवी कांस्टेंट है समझ ना, तो P/1 है तो 1 × ΔP/P प्लस V/1 है तो 1 × ΔV/V, आ कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाता था। एरर में पढ़ना है तो ΔP/P बराबर किसके होगा, -ΔV/V के। तो ये भी आप मैंने ये ढंग से भी कर सकते थे। अरे बोलो जी। अब तुमको लग रहा होगा बाप रे क्या 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 चल गया, तो आप ऐसा करिएगा ना कि याद क्या करिएगा, सब हम एक साथ बताएंगे आपको, बताते। तो अभी समय ना, अभी बस इतना याद रखना है कि चार्ल्स क्या बोले कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, बॉयल्स क्या बोले कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, भी अभी इतना ही आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद
इधर बढ़ना है, ये आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वो तो होता ही है, वो आंख से गुजारा जा रहा है संभाली। अरे बोलो जी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको रिवीजन में नहीं रखिएगा, बार बार इसको रिवाइज नहीं करिएगा, तो देख करके आपको पता ही चलेगा। फिर यहां से देखना एक्स वाला से, अब फिर हम बता रहे हैं कि शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे। इससे सबसे नजदीक कौन लग रहा है? भी। तो ये क्या बोलते हैं कि भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा भी कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट ही है, तो कौन होगा बताओ? तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। अच्छा ये वाला जैसी दिखे थी तो खुद ब खुद बोल दिया कि पी वन बाई पी टू किसके बराबर होगा? या खुद ब खुद बोल दिया क्या डेल्टा पी बाई पी ये बराबर होगा किसके? डेल्टा टी बाई टी। एरर वाला प्रॉपर्टी लगा तो होगा ना जैसे। और बाकी अब ऊपर वाला में आइएगा, इनके हिसाब से क्या था? तो नीचे वाला में देख लिया ना नजदीक वाला, और ऊपर से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, तो इनके हिसाब से ये दोनों होगा। अरे नीचे में जो नजदीक होगा उसको कांस्टेंट कर देंगे, अब ऊपर में जो ऐसे है ना, तो ऐसे से टी हो गया, ऐसे से क्या हो गया पी। तो एवोगैड्रो के हिसाब से क्या है कि जब प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अब ये दोनों को कांस्टेंट कर दिया, आर भी कांस्टेंट है, तो उनके हिसाब से ये वाला कि भी प्रोपोर्शनल होगा किसके? n के। ये बता क्या रहा है कि v1 by v2 बराबर होगा n1 by n2। तो याद करने की जरूरत नहीं है, यानी आप ये जान रहे तो वो होगा। या इसी को लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑक्युपाई इक्वल वॉल्यूम किसी भी गैस का। मैंने 5 मोल है हीलियम का रहे चाहे हाइड्रोजन का रहे, 5 मोल है तो सेम कंडीशन में सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, वही वो बोला जाता है। ठीक है, अब इतना सिखाया गया आपको चलना कैसे है ये समझिएगा। ये क्यों बताया गया? ये वाला ये बताया इसलिए गया कि आपको याद रह जाए कि बॉयल्स क्या बोले। अब देखिए मान लो कोई पूछा बॉयल्स, तुम सोचे कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, कि वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो दिक्कत हो आता है बच्चा को। इसलिए बस साइंटिस्ट क्या बोले ना उसको याद रखने का ही फंडा बताया गया। बाकी अब समझिएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे यह जानना है। तो इसके लिए यह जानना जरूरी नहीं कि बॉयल ये बात बोले। और एक चीज और समझना जी, इस चैप्टर में इसको पूरा विस्तार से नहीं पढ़ाना, वो तो हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आगे इसे भी पढ़ाना ही है। इसको मेन रूप से इस सबका यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स में। समझ आ रहा? तो आप अच्छे से समझना, प्रेशर कांस्टेंट है, कौन साइंटिस्ट बोले उससे नहीं मतलब है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो पीवी को टू एनआरटी दे। अब तुम ही बोलो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट है, एन आर भी कांस्टेंट है। अब आपको अपने दिख रहे हैं कि भी क्या है, प्रोपोर्शनल है ठीक है, तो ये खुद ही में खुद नहीं पता चलने लगा। अरे बोलो यार, इससे क्या पता चल जाएगा कि भी वन बाई भी टू बराबर होगा किसके? भी वन बाई भी टू के। या अगर चेंज वाला बात करोगे तो डेल्टा भी बाई भी ये बराबर होगा किसके? डेल्टा टी बाई टी के। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? अरे बोलो जी। फिर अगर क्या होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जानने का जरूरत नहीं है कि कौन साइंटिस्ट दिए। वॉल्यूम कांस्टेंट है कैसे आगे बढ़ेंगे, तो फिर क्या लिखोगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अरे बोलो यार। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये दोनों तो कांस्टेंट है ही, ये क्या बताते हैं? ऑब्वियस बात है कि पी वन बाई पी टू बराबर होगा टी वन बाई टू। क्या चेंज में बात करोगे तो चेंज में करोगे तो डेल्टा पी बाई पी ये बराबर होगा डेल्टा टी बाई टी। समझ रहे हो? चलिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जानना जरूरी है कि बॉयल्स दिए थे नहीं,
टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो PV को टू एन आर टी फिर लिखोगे कांस्टेंट। ये मतलब क्या बता दिया P1 V1 = P2 V2 यही हो गया। और अगर चेंज वाला में करना है तो इसको पहले आप ऐसे कर लीजिएगा तो ये हो गया ना ऐसे V2 - 1 ये क्या हो गया कहाँ जरूरत पड़ा हम लोगों को कि बॉयल्स दिए कि चार्ल्स दिए अरे बोलो यार। तो कभी भी रिलेशन जानना रहेगा कि प्रेशर कांस्टेंट में क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या होता है तो आपको साइंटिस्ट का नाम जानने का जरूरत नहीं। मगर फिर भी ये इसलिए बताया था कि पूछिए दिया अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ और उसके बाद ये नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ रिलेशन लिख दिया। रिलेशन कौन कौन लिख देगा तो ये वाला लिख देगा ये वाला लिख देगा ये वाला लिख देगा आपको तो आपको पकड़ना है इसके हिसाब से। अगर हटा देता है तो आप लिख करके पकड़ सकते हैं कि बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो आप ये वाला बोलिए दीजिए बात समझ में आया। तो मेन इंटेंशन है क्योंकि इसको बताना ठीक है। इससे तो रेयर केस में क्वेश्चन पूछेगा था अरे बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है क्या। ऐसे एक चीज और ध्यान रखना तीन चीज तेजी में आपको याद करना पड़ेगा बिना पीवी को टू एनआईटी को पकड़े हुए। एक बार फिर से बोल रहे हैं बार बार इसे बोल रहे हैं ना कोई भी चीज को इसका मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है बस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आगे थर्मोडायनामिक्स से पढ़ना है ग्राफ कन्वर्जन। अब तुम क्या होगा पीवी को टू एनआईटी लिखते 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 बिहान कर दिए तो जाएगा गड़बड़ा। तो एक चीज को समझिए गया कि तीन चीज को एकदम दिमाग में घुसा लेना है ठीक है तो आप फास्ट हो जाइएगा। अभी भी प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा तो उसके लिए हम लोग पहले पीवी को टू एनआरटी लिखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो यार तो इस स्टेप में जो फास्ट हो जाएगा ना तो सब सवाल को बड़ा तेजी में डील कर लेगा। तो तीन चीज को आप रट जाइएगा तो चार पांच जगह पर बहुत फास्ट हो जाएगा। बार बार इसने पूरा प्रयोग कर दिया सर बार बार इस बात को क्यों पकड़े हुए वो आगे जरूरत पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। अच्छा इसलिए हिट कर करके बोल रहे तीन वेरिएबल है कौन कौन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नंबर ऑफ कौन कौन वेरी करवाता है समझ में आ रहा है कि नहीं करवा सकता है लेकिन करवाता नहीं ठीक है। तो तीन वेरिएबल है कौन कौन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो आप इसमें यह याद रखिएगा ना कि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो बाकी दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा कोई दूसरा कांस्टेंट होगा तो जो बचा रखा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं समझे जैसे कि तीन वेरिएबल तो है कौन पीवीटी तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं ना दिया तो टेम्परेचर को छोड़ करके किसी के बारे में कांस्टेंट देगा तो बाकी जो दो को बचा हुआ रहेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ये ऊपर ऊपर ही याद रहना चाहिए पीवी को टू एनआरटी लिख करके ना है तो आप फास्ट हो जाइएगा। आपको हम शुरू से बोल रहे हैं कि आप जो भी चलेगा ना मतलब दिमाग में रखा हुआ है वो कि इसका यूज थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे ठीक है। इसका यूज आप मैक्सिमम किसके लिए करिएगा तो साइंटिस्ट का कौन साइंटिस्ट किसको कांस्टेंट बोले उसको जानने के लिए बात समझ में आ रहा है। तो इसको ट्रिक पर क्यों बैठा करके देते डायरेक्टर का ही नहीं याद करवाते इसलिए कि ये रेयरेस्ट केस में पूछा जाएगा लेकिन एप्लीकेशन बार बार होगा तो एकदम जो होता है ना एकदम दिमाग में ना रूह में घुस जाना चाहिए ये बात क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वो दोनों इनवर्सली रहेगा और टेम्परेचर को छोड़ करके बाकी कांस्टेंट रहेगा कोई तो जो दो को बचा है वो डायरेक्टली रहेगा। बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है। अब बिना इसको देखे बोलिएगा यार वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा बताइए प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अरे बोलो यार जब ये पता चल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के या खुद में खुद बोल दिया P1/P2 T1/T2 या डेल्टा P/P बराबर होगा डेल्टा T/T के। अरे बोलो यार चलो इसको नहीं देखना
वॉल्यूम सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम हाँ, दिमाग कैसे क्लिक करेगा प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बोला, ये आना चाहिए, माने दिमाग जो है ना कान जो है उसको सुनाई दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्लिक करना चाहिए कि यही है वो केस है जिसमें इन्वर्सली होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट छोड़कर के कोई चीज कांस्टेंट बोला तो आपको समझ जाना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको जो याद कर लिए तो फिर आप फास्ट हो जाएंगे, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है? तो यही हम बताना चाह रहे हैं क्या बच्चा में प्रॉब्लम क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट कौन दिए थे, अच्छा बॉयल्स दिए थे, अब बॉयल चाचा के यहां से आकर के तुम न्यूमेरिकल बना रहे हो, घबरा जाए, समझ आ रहा है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी चीज को अप्लाई करने के लिए कौन साइंटिस्ट दिए उसका जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें अक्सर होता ऐसा ही है जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ाया जो जाता है ना रियलिटी में उसमें होता है क्या कि पहले बॉयल्स तब रूल, पहले चार्ल्स तब रूल, पहले एवोगैड्रो तब रूल, तो आपका हैबिट बन जाता है कि पहले साइंटिस्ट उसके बाद ये, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ चीज को याद कर ले उसके बाद तेजी में भागे, एक चीज समझिएगा आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये नहीं बोलेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो आप मुंह करके बोल दिए V1 / V2 = T1 / T2, इतना से नहीं काम चलेगा, आपको आगे बढ़ना रहेगा, तो तुम अगर यही पर उलझे रह गए तो जो पूछा है वो नहीं बन पाएगा, बात समझ में आया? तो ये स्टेप जिसको जितना फास्ट होगा उतना ही तेजी में बनाएगा, पहला चीज, फिर इसका कम से कम 10 जगह पर यूज है, ग्राफ बनाने में, ग्राफ के कन्वर्जन में, अरे बोलो यार, डायरेक्टली इससे पूछेगा तब और 2-4 जगह पर यूज है, समझ आ रहा है? तो अगर ये याद रह गया तो 5-6 जगह पर आप फास्ट डील करिएगा, अब अदरवाइज दिमागे नहीं क्लिक करेगा, तुम्हारा दिमाग यहीं पर उलझन रह जाएगा, तुम अगला स्टेप ले ही नहीं पाओगे, बात समझ में आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जरूरत पड़ता है इन सब चीजों का, अरे बोलो यार, आप चलो यहां देखना, जगह नहीं है, टाइम भी नहीं है आज, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग एकदम जल्दी से उतारो, अच्छा ये काम करे क्या कि इसको मिटा दे क्या, आप क्या याद करिएगा, बॉयल्स लॉ द टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन अब क्या बोलते हैं वो भी नहीं ध्यान रहना चाहिए, बस आपको ध्यान क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तब इन्वर्सली होगा, अब बाकी कोई कॉन्स्टेंट रहेगा तो बाकी दो डायरेक्टली होगा, गलती नहीं कर देना, प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर, कैसे बोलोगे, तो समझ रहे होगा, जो कांस्टेंट रहेगा तो बाकी बचा का जो होगा वो ना होगा ही प्रोपोर्शनल, और बोलो यार थोड़ा जल्दी उतारो, तो जो पढ़े उसका यूज देखिएगा थोड़ा, जैसे कि एक इधर ध्यान देना जी, अगर आपसे ग्राफ पूछ दिया कि यहां पे दिया हुआ है डेल्टा पी बाई P डेल्टा P और यहां पे दिया हुआ है V, इसका आपको ग्राफ बनाना है आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ बनाना, आइसोथर्मल बोला तो टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर ऐसा भी दे सकता है कि यहां पर है डेल्टा P बाई P डेल्टा V और यहां पे दिया हुआ है 1/V, ठीक है, तो माइनस लगा देते हैं, इसे दिया हुआ है, इसका भी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ बनाना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका भी बनाना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका भी बनाना है, अब इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो अच्छा अच्छा बच्चों को बनाने में दिक्कत होता है, अच्छा अच्छा बच्चा बनाने में दिक्कत होता है, चलो कुछ और ग्राफ हम लोग करते हैं, ये तीन ग्राफ पहले हम समझा देंगे और उसके बाद रटा हुआ रहना चाहिए क्योंकि ग्राफ कन्वर्जन में बहुत तेजी में यूज होता है, तो ये P है ये V है,
आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस में बनाना है, ठीक है। या ऐसा करते हैं कि अभी नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं, जो रटवाना हो बाद में बताएंगे, ठीक है। ये T है, ये 1/B है, और या ऐसा करते हैं ये P भी है, यहाँ भी है, इसका भी ग्राफ आइसोथर्मल में ही बनाना। ये पी भी स्क्वायर है, और यहां पे टी है, इसका ग्राफ बनाना है जब भी कॉन्स्टेंट होगा, मैंने आइसोकोरिक बनाना। अब वो ग्राफ बनाना, तो ग्राफ में आपको क्या बताया गया था कि कैसे डील करते हैं, तो जो बाई एक्सिस पर होता है उसको लाने का प्रयास करते हैं, जो एक्स एक्सिस पर लाने जो रहता है उसको लाने का प्रयास करते हैं, और जो बाई एक्सिस पर उसके जगह पर बाई पुट करते हैं, जो एक्स एक्सिस पर था उसके जगह पर एक्स पुट करते हैं। यह सब सवाल अच्छा खासा हार्ड माना जाता है सवाल, जो है कुछ नहीं बस देखे हुए रहेगा, तो कभी भी चेंज वाला का बात करेगा तो हमको क्या होगा कि चेंज वाला का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे चलेंगे, देखो क्या बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला तो टेम्परेचर कांस्टेंट, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला लगेगा, ये दिमाग में चलना गया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला से दो चीज आएगा, P1/P2 ये बराबर होगा V2/V1 का, या डेल्टा वाला में, तो हमको यहाँ पर किसका जरूरत है, डेल्टा वाला का कि डायरेक्ट वाले का, डेल्टा वाला। तो आपको पता है ये सब आईआईटी एडवांस से सवाल पूछा जाता है, जो कि आपको एकदम बच्चा का पता है, ग्राफ वगैरह जो भी है ना सब बच्चे लगा, चाहे किसी चैप्टर का, बस कंडीशन एक ही है कि जो बताया गया है ना वो देख लीजिएगा, जो क्लास नहीं कर पाए हैं वो यूट्यूब पर डाला हुआ है उसको देख लीजिएगा, ग्राफ वाला समझ आ रहा है, पूरा देख लीजिएगा कुछ लगेगा ही। तो देखो दिमाग कैसे कैसे क्लिक किया, प्रोसेस बोला उससे सोचेंगे, तो प्रोसेस क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दिमाग में क्या चला, ये याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा, भाई तुम लिखोगे पी वी कोड में ना ठीक कट करोगे तो टाइम ना किल करेगा, जब दिमाग को ब्लॉक हो जाएगा आगे के लिए। और चूंकि हमको डेल्टा वाला में जाना है तो लगाओ, क्या लगाओगे बोलो जल्दी से, डेल्टा पी बाई पी ये बराबर होगा वी बाय माइनस वन, किसी को कोई दिक्कत लग रहा है, तो जो कर, जो प्रोसेस बोलेगा उसके हिसाब से ये आ चुकी है, इसे दिया हुआ है यहां तक पढ़ गए, और बोलो यार अब कैसे बढ़ेंगे, तो जो भी चीज आपको यहां पर दिया हुआ है उसको लाने का प्रयास करिएगा, तो यहां दिया हुआ माइनस डेल्टा पी बाई पी डेल्टा भी, तो इस माइनस को इधर करोगे, अरे बोलो और पी तो है ये, डेल्टा भी की भी इधर लाओगे तो इधर कौन बच जाएगा, 1/g, और तुमको तुरंत इसके जगह पर क्या पुट कर देना है, बाई, अगर पढ़े हुए होगा ग्राम तो पता चल रहा होगा ये बराबर होगा भी के जगह पर एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि ग्राम 1/x का ऐसे भी बनता और ऐसे भी बनता, लेकिन इधर वाला इसके नहीं लेंगे क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, अब वॉल्यूम नेगेटिव होता नहीं, अरे समझ में आया, ये आईटी एडवांस का सवाल है। तो कोई ग्राफ लगेगा वो हल्का ही आपको लगेगा, बस अब तक उसी वे में आप सोचिएगा, फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। ये भी दिया हुआ है क्या, आइसोथर्मल का है, समझ आ रहा है कि नहीं, चले आइसोथर्मल बोले तो तुरंत समझ गए कि क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट बोले तो, और चूंकि हमको डेल्टा वाला में जाना है तो डेल्टा पी बाई पी ये बराबर होगा माइनस के वजन में माइनस वन, तो यहां से आपको जो लाना है माइनस डेल्टा पी बाई पी डेल्टा भी, अरे बोलो यार, तो 1/v हो गया, इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, बाई, और 1/v है जो एक्स के जगह पर है, इसका मतलब 1/v के जगह पर एक्स करेंगे, एक्स इधर का है नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इधर स्ट्रेट लाइन का ऐसा ना बनता जी,
अरे y इक्वल टू mx टाइप का है, प्लस c नहीं है तो ऑप्शन से पास करेगा। यस सर। ये भी पता है तुमको कि ये 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे? y इक्वल टू mx स्लोप का वैल्यू 1 है। tan थीटा 1 ना थीटा 45 डिग्री। और बोलो यार ये समझ में आया कि मैथ बताता है कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बोलो। लेकिन इधर का काहे छोड़ दिए, क्योंकि इधर का लेंगे, इधर का मतलब है कि x एक्सिस नेगेटिव होना, x एक्सिस नेगेटिव होना मतलब क्या हो गया कि ये वाला नेगेटिव होना जो नहीं पॉसिबल है। और बोलो यार ये सब तो रटना रहेगा, लेकिन अभी तत्काल देखिए आइसोथर्मल बोला तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी। अरे बोलो तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी। क्या हम डेल्टा के तरफ जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि y एक्सिस एक्सिस में कहां डेल्टा की तरफ आपको दिख रहा है। अरे बोलो तो ये समझ में आया ना कि कहां तक जाकर के रुकेंगे? स्टार्ट हुआ है नहीं? श्योर? चलो ठीक। तो क्या होगा इसके जगह पर y पुट करोगे, इसके जगह पर f पुट करोगे, ग्राफ ऐसा होगा। अभी प्लस माइनस के ज्यादा झंझट नहीं है। चलो इसका बताओगे क्या करोगे तुम बताओ तो? आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या हो गया? p इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। और बोलो यार आपको यहां p भी टाइप कर लाना है तो ये वाला इधर आएगा। तो समझ में आ रहा है कि p इक्वल टू कांस्टेंट बाय v, ये p भी कांस्टेंट हो गया। बोलो आखिर क्यों हम इसको इधर फेंक करके बना रहे हैं? क्योंकि हमको ये तो बनाना ही है। और यहां पर कौन है? बाई। बोलो यार तो इसका मतलब बाई कांस्टेंट है। बाई कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल मैथ बोलेगा कि ऐसे बनेगा। अरे बोलो यार ये फिजिक्स बोलेगा कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने x एक्सिस नेगेटिव नहीं हो सकता है तो नेगेटिव वाला नहीं रहेगा, खाली इसे इंडिकेट करेंगे यहां डाल देंगे। और बोलो यार चलो भी कांस्टेंट है, बोलो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टी के या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोलो ना दिक्कत समझ में आ रहा ना? भी कांस्टेंट है तो बाकी जो बचा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप कैसे बनाओगे ग्राफ को? तो जो चाहिए तुमको बाय एक्सिस पर लाओगे, लाओ। और करो यार क्या करोगे दोनों तरफ भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यही ना करोगे? यस सर। यहां पर कुछ तो दे देना चाहिए दूसरा टाइप। हां चलो ठीक है। तो ठीक है इसके जगह पर तुम ऐसे कर सकते हो पी वी स्क्वायर इक्वल टू कोई कांस्टेंट इनटू टी वी स्क्वायर, और यही ना करोगे तो इसके जगह पर क्या पुट करोगे? y इक्वल टू कांस्टेंट और चलो मैं डाटा हमको देना चाहिए ही था ऐसा ही कुछ। चलो ठीक है ना इसे कर दे रहे y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टीवीएस स्क्वायर, टीवीएस स्क्वायर मैं ऐसा देता हूं। अरे बोलो जी यहाँ पर भी 45 डिग्री तुम बोलोगे? नहीं तो भी कांस्टेंट क्या है तुमको पता नहीं अभी तत्काल? कोई दिक्कत लग रहा? कोई दिक्कत तो किसी भी ढंग से ग्राफ रेगन बनाइएगा। देखिए दूसरा ग्राफ का प्रैक्टिस सब करवाते हैं फिर खत्म छोड़ देंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा जी ये वाला दिया है टी, ये दिया है भी, और बोल रहा है आपको कि पी कांस्टेंट है। कैसे ग्राफ बनेगा बताइए? तो p कांस्टेंट है बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के होगा, होगा ना? तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v बोले तो t इक्वल टू कांस्टेंट इनटू v, ये है ना होगा? तो यहां y होगा, बोलो यार। और यहां क्या होगा? x स्टेट लाइन जीरो से नहीं स्टार्ट होता है क्योंकि भौरू जीरो नहीं हो सकता है, कुछ ऐसे करके कहीं से स्टार्ट हो। कोई दिक्कत लग रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है? किसी ढंग का ग्राफ देगा तो ऐसे ही बन जाएगा ठीक है। आप तीन ग्राफ बनाते हुए रहिएगा, तीन ग्राफ को जान के रखिएगा ताकि ग्राफ का मॉडल वगैरह बहुत यूज होता है इसका, या डायरेक्ट भी टकराता है और भी बहुत जगह पर यूज होता है। जैसे कि प्रोसेस दिया रहेगा तो देखिए कि पता कर लेना है कौन ऐसे कोरी से कौन ऐसे बारीक है, ये पता चल जाएगा ना देख कर करके कर। तो सवाल डील करना आसान होता है।
हम इसको इस चैप्टर के लिए डिस्कस ही नहीं अभी कर रहे हैं, इस चैप्टर का कुछ पढ़ा नहीं है, ग्राफ ग्राफ ऐसे थोड़ी पढ़ा, छोटा छोटा है कुछ कर दिया हो गया, लेकिन इसका यूज थर्मोडायनेमिक्स में होगा, तो वही सब चीज के लिए बताया जा रहा है। तो तीन चीज आप याद कर दीजिएगा, ऐसे आपको याद है थ्योरेटिकली, बस खाली ग्राफिकली याद कर लीजिएगा कि जब टी कॉन्स्टेंट देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पी और भी में रिलेशन खोजेगा, तो इसमें इनवर्सली होता है, ऐसे याद रखिए कि आइसोथर्मल में ऐसा होता है, इरेक्टली रहना कैसे होता वो भी बताया जा सकता है, बताया गया ना जी, लेकिन इसको रखते रहना ठीक है। फिर और कौन याद रखना है, तो जब पी कॉन्स्टेंट होगा आप यहाँ पर क्या देगा, टी और भी देगा, ये समझना, पी कॉन्स्टेंट का कई ग्राफ बन सकता है, जब टी और भी देगा तब का, मैंने एक कॉन्स्टेंट देगा बाकी दो को वेरिएबल का मान पास करेगा, तो वो वाला क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, याद रखना क्योंकि आगे जरूरत पड़ता है। भी कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्टली तुम ग्राफ बता दोगे क्या होगा, नहीं जब क्यों दे यहाँ पर, हाँ मैं प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी दे, यहाँ प्रेशर दे टेम्परेचर दे या यहाँ टेम्परेचर यहाँ प्रेशर दे, तब ओरिजिन से पास करता हुआ आपको याद रखना, ओरिजिन से पास करता हुआ आपके लिए आता है, ये याद है आपको रखना। अच्छा एक चीज, अब ये नहीं कि रख मार दिया तो हर बार वही करना, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ पर टी है यहाँ भी है, यहाँ पर बोल दिया कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, या चलो मान लो बोल दिया कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, लेकिन ये वाला क्यों नहीं होगा, डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो ग्राफ बताएंगे कि हो सकता है। चलो एक एग्जांपल ही देख लो, तो यहाँ देखो ये सब कुछ बताया गया छोटू, टेम्परेचर जब भी है केल्विन में, ठीक है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देगा, थोड़ा सोच लेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है चलो टी, यहाँ दिया गया बी, अब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, समझना यहाँ एक कर क्या दिया है ना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया, तब हम लोग डायरेक्ट, अरे ये पूछेगा तब का बात है, अदरवाइज क्या है कि नहीं कुछ बोलेगा तो केल्विन में होगा तो डायरेक्ट बनेगा। अरे बोलो जी, अगर ये रहेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर दे रहे, लेकिन वो लोचा किया तो डिग्री सेल्सियस, तब हम लोग इसको सतर्कपूर्वक बनाएंगे, ये बात समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको आराम से करेंगे, तो क्या होगा बोले दे, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया तो समझ में आ गया कि प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, तो P इक्वल टू कांस्टेंट T, यही ना होता जी, लेकिन ये केल्विन में ना है जी, और डिग्री सेल्सियस में बनाना है तो कैसे होगा, K का वैल्यू कितना होता है, C प्लस 273, अरे बोलो यार कोई दिक्कत आ जाए, तो देख लीजिएगा, तो इसके जगह पर आप बाई पुट करिएगा, ये हो जाएगा क्या कांस्टेंट, सी हुआ डिग्री सेल्सियस में, एक्स प्लस कांस्टेंट इनटू 273, अरे यही ना हुआ, तो बताइए तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अरे बोलो यार, तो वो क्या बता रहा है कि ऑरिजिन से पास में यहां से पास करेगा, अरे पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो ऐसे पास करता, बोलो यार, और स्लोप भी पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इस वन नया और ग्राफ ऐसा भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं रहा है, अरे स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, बाई एक्सिस को पॉजिटिव पर कट करेगा, अभी नहीं पता चल रहा है इसका मतलब आपको ग्राफ में दिक्कत है, ग्राफ को देखिए, बोलो मौका सुखा हुआ रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि ग्राफ नहीं देखे हुए होगा तो दिक्कत होगा, ये चीज समझिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो जी। अच्छा टेम्परेचर निगेटिव में कहां तक जा सकता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तक, अरे बोलो जी,
तो वो समझ रहे हो, ये ग्राफ ही समझ में आया किससे नीचे नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा इससे नीचे, इसके नीचे का मतलब क्या हुआ, बाय एक्स नेगेटिव, बाय एक्स नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि पी नेगेटिव, अब पी नेगेटिव नहीं हो सकता था, ग्राफ यहीं तो रुकेगा, इस समय में आ रहा है ना जी, तो ठीक है, तो बार बार ये ग्राफ आपको नहीं पूछेगा, समझ आ रहा है, आपको नॉर्मल ग्राफ का ही चलता है, बोलो जी। अब यहां देखना रहो थर्मोडायनेमिक्स में कहां यूज होता है, ये देखो पहले इधर, उसके बाद बाकी कुछ करना, यहां देखो यहां पी दे दिया है, यहां टी दे दिया, ठीक है, अब देखो कैसे तुमको देगा ग्राफ, एक तो ग्राफ का धर्म में यूज होता है, दूसरा और बता रहे हैं कैसे यूज होता है, क्या कहा जाता है कि बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा, अब वहां पर पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में कि वर्क निकालना है तो चारों प्रोसेस का वर्क निकालना पड़ेगा, अब क्या है कि तुमको पता नहीं चल रहा है कि चार को प्रोसेस क्या है, तो फिर मैटर खत्म, सवाल ही नहीं पड़ेगा, अगर इस पे वर्क कहेगा, सुनना यार, वर्क कहेगा निकालने के लिए तो क्या होगा, वर्क इन ए बी प्लस वर्क इन बी सी प्लस वर्क इन सीडी प्लस वर्क इन एडी या डीए, जो भी बोलोगे ऐसा बोलोगे, अब क्या है कि तुमको प्रोसेस ही नहीं पता चल रहा है, फिर गए हम उसको ध्यान में रख के बता रहे, देखो क्या होगा, तो पी ऑफ डी का आपको स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है, मैंने समझे, कौन है वो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला है, आपको इसका ग्राफ दे दिया है ना, आपको क्या कहेगा, समय ना यहाँ पे, चलो इसे छोटा सा ग्राफ बना देंगे, मतलब रहेगा साइज का, अभी बना देंगे, अब तुमको क्या करेगा कि यहाँ पी दे देगा, यहाँ भी दे देगा, कहेगा ग्राफ उसका बनाओ, तो अकबकाते रह जाता है बच्चा, तो जो बोलेंगे ना कि याद कर लेना, जिस वे में बोलेंगे बस वैसे ही करना, कांटिक थ्योरी में इतना थोड़ी पढ़ाया जाता है यार, उसमें बच्चा बच्चा तुमको लगेगा सब कुछ समझ ही, हमको आ रहा टीचर पढ़ाया, हम भी पढ़ाया समझ में आएगा, लेकिन है क्या कि इसको बताया इसलिए जा रहा था कि थर्मोडायनेमिक्स में डील आप आसानी से कर सकती है, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, तो कैसे कैसे दिमाग क्लिक करेगा, देखो बीसी के बारे में कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, क्यों, क्योंकि वो ऐसो बारिश है, प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, यही पता चल रहा है, और इसमें एडी में डीए में, डीए वाला में भी प्रेशर कांस्टेंट है, बोला यार, और ए बी वाला में बच्चा को दिक्कत लगता है, तो वही चीज है जो देख के पकड़ लिया और तुरंत बना है, नहीं तो वो रोक करके रख देगा, पी भी को डोनेट लगा रहा है सोच रहा है तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर पी और टी दिया आपको भी कांस्टेंट लगा जरूरी नहीं, लेकिन पी और टी दिया है आपको स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है, आपको तुरंत समझ जाना है क्या कि भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट का वर्क जीरो होता है तो डायरेक्ट ही बच्चा बता देगा क्या कि वर्क क्या होगा, वैसे कोई स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है टीटी ग्राफ में, मतलब भी क्या है कांस्टेंट है, अरे बोलो यार, ये वाला जीरो आज तो उसमें जीरो है तो केवल इसी दोनों में निकालना है, उसे निकाल करके बता देगा कि क्या होगा, नहीं तो फिर बोलवाते रह जाएगा किसमें कैसे निकलेगा बार, किसमें कैसे निकलेगा बार, और जिससे भी नहीं पकड़ा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है उसमें, उससे क्या होगा कि डिले नहीं हो पाएगा, तो कुछ सोच के हम बता रहे हैं, पूरा सिलेबस तो दिमाग में है, तो सोच के बता रहे हैं कि किसका कैसे यूज होगा, या ये क्वेश्चन ये रहता कि इसका ग्राफ बनाना है इसमें तो बनाओगे, तो कुछ कुछ चीज वहां बताया था लेकिन ऐसे कैसे बनाएगा, तो क्या है कि बी सी वाला प्रेशर कांस्टेंट है,
प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा टाइप का होगा। डीए में भी प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो डीए में प्रेशर कांस्टेंट है, उसमें भी ऐसा ही टाइप का होगा। और एबी में पता नहीं चला कि ग्राफ कैसे बन गए, तो ऐसे क्या होगा पीएटी में स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है, मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि वर्टिकल होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब एक्स कांस्टेंट है वाई के पैरेलल। और इसी ढंग से भी क्या होगा, ऐसे होगा कि इस पर ग्राफ ऐसे बनता, वो आगे हम और बताएंगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज और बताना होता है, अभी हम तत्काल ऐसे कर दे रहे हैं, देख मिनट रुक जा। तो ये हो गया ना, अरे इस पर डायग्राम बताना रहता है। तो एक मिनट, ए बी बी सी, तो बी सी में क्या है प्रेशर कॉन्स्टेंट है, और एक प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वाला होगा, ये हो जाएगा बी सी, बी वाला हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए, ऐसे चलेगा शायद। सी डी, सी डी में क्या होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा, प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। तो वो हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि ये कैसे बनेगा तो वहां सिखाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अभी बस देखो इतना पढ़ाती है, गौर से अगर देखो तो तीन या चार चीज आपको बताया गया। एक तीन वेरिएबल में एक कांस्टेंट रहेगा तो दूसरा दो में क्या रिलेशन होगा, एकदम तुरंत निकलना चाहिए, एकदम तुरंत। आ इसको कैसे याद रखेंगे कि टेंपरेचर कांस्टेंट होता है तो बाकी दो में इनवर्सली होता है। अब टेंपरेचर कांस्टेंट होगा तो बाकी दो को जो बच्चे रहे वेरिएबल उसमें इनवर्सली का रिलेशन होगा, और बाकी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो बाकी जो दो को वेरिएबल रहेगा उसमें डायरेक्टली रिलेशन होगा, यही ना होगा जी, अभी बताया थे ना। तो एक वो उसको डायरेक्ट याद रखना, फिर वो याद रह जाएगा तो कैसे बढ़ते हो तो बताइए दीजिए हमको। और दूसरा ग्राफ वाला भी याद रखना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट तो पी और वी वाला ऐसे बनेगा, बोलो यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण ही बन रहा है, और प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बाकी जो दो को वेरिएबल रहता है उसमें डायरेक्टली होता है, और उसको याद भी ऐसे भी कर देना कि स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन से पास करता है, तो ये याद रहना चाहिए आपको, बोलो जी। और डिग्री सेल्सियस में कभी दे देगा तो वो स्पेशल टाइप का सवाल होगा, तब उसका फास्ट नहीं बनाइएगा, तब आराम से बनाएगा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, और ग्राफ कन्वर्जन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ना होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ना है तो आपको देखते ही पकड़ाना चाहिए, हम बता दे रहे, देखते ही नहीं पकड़ाया तो समझिए कि आपको पूरा ला देगा। बच्चा में होता क्या ना, सोचा एक थर्मोडायनेमिक्स का सवाल हमसे बन का है नहीं रहा है, और चार क्वेश्चन पूछा और तीन क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, थर्मोडायनेमिक्स से पूछेगा मिनिमम भी, तो दो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछेगा, समझ आ रहा है कि ना। थर्मोडायनेमिक्स को सीखने के लिए इधर का जानना जरूरी है, अरे बोलो यार। तो देख के पता होना चाहिए तभी वर्क निकल पाएगा, तभी हीट भी निकल पाएगा। आपसे बोल देगा ग्राफ देकर करके कि ए बी में बताओ कि कितना हीट का एक्सचेंज होगा, तुमको पता नहीं चलते रहेगा कि ए बी है जो कि कौन सा प्रोसेस है, तो मैटर खत्म है, बंद में नहीं करेगा। अरे समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आया कि हीट करके काहे बता रहे हैं, इस चैप्टर में इतना हीट करके नहीं बताना है, लेकिन तुमको अब ये सी ध्यान रखना है ताकि आगे भी यूज होगा तो तेजी में कर सकूं, कोई दिक्कत लग रहा है। तो दो मिनट है, उन्हें कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, ऐसे खाली गलती आपसे नहीं हो जाए, इसके लिए ध्यान रखिएगा। वी आर एम एस का वैल्यू या किसी का भी आप पढ़ते हैं ना, कितना अंडर रूट वी आर एम एस का अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है जी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, छोटो लो ध्यान दीजिएगा, आर जो है इसका वैल्यू ऐसा यूनिट पे पुट करिएगा तो 8.31 हो जाएगा, और 8.4 को यूज करता है लेकिन 8.31 ज्यादा सही है, समझ आ रहा है, ये ऐसा यूनिट में, ठीक है। और टी तो केल्विन में यूज करिएगा ही, बोलो जी। मास वाले में गलती नहीं हो जाए तुमसे, जैसे कि आपको मास जो है ना इसको तुम केजी में पुट करोगे तब ना सब ऐसा यूनिट पर पुट करोगे तो ऐसा यूनिट में आएगा, बोलो यार। तो मास को ही ध्यान रखना कि केजी में, यहाँ गलती हुआ था, जैसे कि मान लो कि बोल दिया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का O2 हुआ ना जी, तो बता के मुंह से क्या निकलता है,
ऑक्सीजन का 32 निकलता है ना जी, तो ये ध्यान रखना वो 32 ग्राम है, आपको यहाँ 32 ग्राम को केजी में बदल के पुट करना है। बोलो यार ये समझ में आया कि यहाँ 32 × 10⁻³ केजी के टर्म में पुट करना पड़ेगा, तब ना सब ऐसा में आएगा कि ऐसा में आएगा। तो यहाँ बच्चा से गलती होता है, वो गलती होगा ऑप्शन मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा हेक्टिक क्लास नहीं ना लगा, समझ में आया ना क्लास नया समझ आ गया ना, ये सब याद रखना छोटू ठीक है, क्योंकि ये नहीं याद रहेगा तो आगे दिक्कत होगा। बोलो जी। अरे ये वाला तो बताया ना जी, ये वाला ना जी, हाँ तो वही बताया ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये रिलेशन हो गया, तीवरा आना गया, इसको ऐसे कर दिया तो इसके जगह पर बाई पुट किए, इसके जगह पर 1/v के जगह पर x पुट किए, तो बाई इक्वल टू 1 × x नया आया, इसका स्लोप कितना है 1 है, टाइम थीटा वैल्यू 1 हो गया, थीटा वैल्यू 45 डिग्री होगा जी, ये 45 डिग्री, कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत।